एक मिनट भाई साहब देख लो। ओ भाई साहब हटा बिजली का करंट लग गया बच्चों को लेके रुक दोगे आपने तो शुरू किए ना व्यवस्था जो पैकेज हम लोगों ने मैं तो एक्चुअली हमने इसी लिए बड़ा बड़ा विस्तार है गणेश आपको भी छोड़ कर मंदेव का उस पैकेज को जैसे कि पैसे जैसे बिल्कुल वैसे के वैसे हम ये डायरेक्ट पे ये लगे लाइफ पे सीधा आप लोगों को बताएं और आप मैं जैसे क्लास में मैं के टाइम में मैंने शुरू किया आपने शुरू किया ये बच्चे तो सीनियर पास है मैंने ग्रेजुएट भी है चिट्ठी लिखाएंगे हम लोग विधानसभा में सेकंड स्कूल है और सीनियर क्रमोन सर शहीद किशन सिंह के नाम वैसे भी ये जो भगोड़ा आतंकवादी था भगोड़ा था उसी को बारे में भाग गया था और ये जिस नाले की सुरक्षा में थे उस नाले के नीचे उन्होंने वो बना अचानक मैंने देखा तो एक लकड़ी लगी लकड़ी हटाई नहीं तो वहाँ मछलियाँ और जूते पड़े थे मछली और जूते कैसे बाल्टी में तो एक सिविलियन को अंदर भेजा तो वो बाहर भाग गया जो अंदर तीन आतंकवादी उन्होंने गोलियाँ बरसाते हुए उसके बाद AK-47 आर्मी की थी उस आर्मी वाली AK-47 ने उसने फायर किया तो इन्होंने सामने से उनको मार तो दिया एक गोली इनके इधर से निकलती हुई तीनों को मार दिया तीनों अकेले अकेले ही थे उस रक्षा को पीछे एक कवर था पीछे कवर था जब तक लेकिन उसके तीनों को ढेर कर गोली लगने के बाद मारती है मोती सिंह
भाई ये टीचर है आपने मत सुनिए, ये हमारे एक टीम मैडम है। कोई भी ऐसी कोई बात होगी जिसको अनअटेंडेड होगा नहीं, क्योंकि उस सब में हम लोगों ने बहुत केयरफुली देखा था। आप तो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करा के भेज दो बोर्ड में, तुम ये तो कंपटी लिखे लिखते हो अपने बीए कल आके गए थे बस नहीं सर डॉक्टर को डॉक्टर केयर के लिए अच्छी व्यवस्था आपने करवाई सीतारमन जी से आप बात करें दीदी, अशोक सीतारमन जी से आप बात करें, इनका सीओ साहब को पहले भी उस समय तो खुद जिंदा रह गए, इतना लंबा रास्ता तय करके मैम बता रहे हैं आपको धन्यवाद। आज राज तिलक छोड़ करके आप यहाँ बता रहे हैं, तो कितना लंबा रास्ता करने के बाद में मैं इतना रास्ता भाई रोड आई बहुत 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 बड़ा मैसेज दिया, बहुत बड़ा मैसेज दिया हमने रात को। फोन किया था दीदी आपको, मैंने फोन किया था रात को, मैंने बता दिया था, मेरे को भी क्या था 7:43 पे अगर फिर उन्होंने फोन किया कि मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ। इनके हार्ट अटैक आया था तो अशोक से पूछा है कि नानू साहब कैसे हैं, ठीक है बोले अभी मैं ऑपरेशन में जा रहा हूँ, ऑपरेशन से वापस आके फिर पहले दिन वीडियो कॉल किया था हॉस्पिटल में तो छुट्टी पे गया इसका नाम किया है बड़ा गर्व की बात है, बहुत हमारे गांव का नाम रोशन किया सर आदमी। हाँ दीदी बहुत भीड़ थी, 25-30 हजार आते हमने भी सबको मैसेज किया था। ये परिवार तो अब मैन का खुद का परिवार है, अब सारी चीजों की चिंता मैन करेगी। मैडम सामने ये माता जी, आप उधर जाओ, आप ये ना, हां ये अच्छी वीरांगना भी उनको चढ़ रहा है, उनसे मिलाएंगे। ये बहन है, बड़ी बहन है, बड़ी ये छोटी है, दोनों बहनें वीरांगना उनको चढ़ रहा है, भी मिला देंगे साइड में। ये मां को डिस्टर्ब मत करो, अलग है ये दोनों बहने प्रणाम करने आए वसुंधरा जी, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को चल के जैसे ही पता चला भाई रोड आए, इतनी दूर देखो कोई छोटी साधन नहीं, इतना मैंने
हेलो भैया, हेलो, आपको भी आशीर्वाद देने आए हैं, आप लोगों के लिए बहुत कुछ करेंगे। एक छोटी बस 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 बस, अब तो आप आए, देखो साहसी और अपने देश का नाम रोशन करने वाला, आपके गांव का नाम पूरे राजस्थान का बता दीजिए, पूरे ना होने सब लोग आज बात कर पूरी जिम्मेदारी मैडम इसके कंधे पे थी। पिताजी एक्सपायर था, भाई दिव्यांग है और वो भी मान लो कि आज मकान का होगा आपको नहीं तो कोई गति इनके पास ज्यादा नहीं तो पच्चीस साल से शहीदों के लिए काम करता है, सारा मैंने तय किया। आपने डूंगर सिंह जी के बच्चे आपने विवेका दिन कोटेशन लगाया उसको, आज वो ऐसा ही बन गया, आपकी कृपा रही। थोड़ा हाथ पीछे रह गया साइड ऑन साइड।
पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ।